मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में पुलिस कर्मी पर हमले का दुस्साहस करने वाले बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी हैं। सर, कितनी बड़ी मुठभेड़ थी और किस तरीके के ये हार्डकोर क्रिमिनल है? सर, ये इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पूर्व के हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, इनके ऊपर कई लूट के मामले दर्ज हैं और इनके जब हमने सीसीटीवी फुटेज निकाले तो ये कई तरह की वारदातों में शामिल हुए। इन्होंने घटिया में हमारे दो मजदूर भाइयों के साथ लूट की घटना कारित करी। उसके बाद जब पुलिस यहाँ चेकिंग कर रही थी और इनको पकड़ लिया तो उन्होंने हमारे पुलिसकर्मी को चाकू मारा, उसके बाद ये फरार हो गए। हमारी टीमों ने जब इनका और रिकॉर्ड संभाला तो उन्होंने एक हमारी सफाई कर्मी बहन है उसके साथ भी मारपीट की घटना की है, जिसका भी उसी रात का हमको वीडियो प्राप्त हुआ है। अभी इसमें से जब सूचना मिली तो दो लोग जब ये फरार होने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस पार्टी इनको परसू कर रही थी। इसी दौरान इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस ने भी आत्मरक्षा उनके ऊपर फायर की जिसमें एक गोली इनके पैर में लगी। सर, कितने अपराधी हैं और इनका किस तरीके रिकॉर्ड है, किस तरीके से पुलिस पर फायरिंग की थी, कौन से आर्म्स से फायरिंग की थी? इनके पास से एक पिस्टल बरामद की गई, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उस दिन जो इसमें घटना कारित की गई थी वो भी एक चाकू इनके पास है, वो भी बरामद किया गया। ये तीनों रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं। महेश और राहुल के ऊपर पूर्व में कई प्रकार के मामले दर्ज हुए हैं। देवास गेट और जीवाजीगंज में लूट में बंद हुआ है। बोलता ये डेलवास रतलाम ताल थाने का रहने वाला है। इनका अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी हमारे साथ खंगाला जा रहा है और ये साथ में ही जेल में रहे हैं जिस दौरान इन्होंने अन्य तरह की कई प्लानिंग्स की। ये थे उज्जैन के पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने इनकाउंटर के माध्यम से दुस्साहस करने वाले अपराधियों को एक कड़ा संदेश दिया है और पुलिस इस पूरे गिरोह की पता रची कर इस पूरे गिरोह के तार जहां से भी जुड़े उन अपराधियों को भी पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।